आप पाकिस्तान में इस वक्त मकबूल तरीन क्रिकेटर है कि आप सीरीज आ रहे, उसके बाद एक ट्रेंड चल पड़ा, सोचना भी मना है, उसमें आपके टीममेट्स भी शामिल थे। समझते हैं ये प्लेयर्स के लिए मुनासिब नहीं है कि इस तरीके के ट्रेंड्स का हिस्सा बने सोशल मीडिया पर? सर, हर एक की अपनी माइंडसेट होता है। जिस तरह आप भी जर्नलिस्ट सब सारे चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे को बैक करते हैं, तो प्लेयर्स भी हमारा जो यूनिट है और उसमें यूनिटी इसी को कहते हैं कि हर बंदे को सपोर्ट करते हैं। ये नहीं कि मुझे कर रहे हैं, वो पूरी टीम को सपोर्ट करते हैं। कोई भी प्लेयर हो, कोई भी जो स्पोर्ट्समैन होता है, वो कोशिश करता है एक दूसरे को सपोर्ट करें। और डेफिनेटली जब आप चीज़ें हारती हैं तो ऐसी चीज़ें चलती हैं, लेकिन एज अ प्लेयर, एज अ कप्तान कोशिश करता हूँ कि अपने एक जोन में रहूँ। और बिल्कुल हम सीरीज हारे थे, लेकिन इंशाल्लाह कमबैक ज़रूर करेंगे। दो तीन सीरीज हम आपकी फेवर में नहीं गई पाकिस्तान टीम की, कितना प्रेशर है आपके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के मूड में तब्दीली की हवा चल पड़ी है, तो कितना प्रेशर है एज ए कैप्टन आपके ऊपर इस सीरीज में कामयाबी हासिल करने? सर, प्रेशर देखें तो भी ऑनेस्ट प्रेशर मैं चीज़ों की नहीं लेता। ये देखें, अल्लाह अल्लाह यहाँ तक लाए, आगे अल्लाह ही लेके जाएगा। और सिर्फ बिलीव है मुझे अपने पे और अपने टीममेट्स पे। और बिल्कुल हम कुछ जगह पे चीज़ें नहीं एग्जीक्यूट कर पाए, बिल्कुल उसको मैं ये नहीं कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ, बिल्कुल हम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम अच्छी नहीं क्रिकेट खेले। लेकिन ये है कि प्रेशर में फिर आपकी और गेम नीचे जाएगी। आप जब प्रेशर, अगर आप कह रहे हैं प्रेशर है, प्रेशर नहीं, प्रेशर में आप और नीचे डाउन होते हैं। लेकिन एज ए कप्तान मुझे पूरा कॉन्फिडेंस अपने पे और मेरे पूरी टीम पे कि हम इंशाल्लाह कम बैक करेंगे, क्योंकि नया दिन, नई टीम और नए मैचेस हैं, इंशाल्लाह डिफरेंट चीज़ें आएंगी। बाबर मीर हमजा की एंट्री हुई है, तगड़ा बॉलर है और दोनों तरफ जो स्विंग करता है, तो आई नेट में भी हमने देखा कि अच्छी बॉलिंग कर रहा था। क्या न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए हमारे लिए मुफीद साबित होगा? और दूसरा ये कि आप एक कप्तान, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कप्तान ही आप जो है वो अटैकिंग नहीं कर रहे, तो इस बार हमें बाबर यहाँ पर अटैकिंग कप्तानी करता हुआ नजर आएगा? सर, अभी तो डिसाइड नहीं किया, पहले भी मैंने बोला अभी फाइनल 11 और कौन सा प्लेयर का खेलेगा वो डिसाइड नहीं किया। देखें, अब मैं हर रोज़ एक इस चीज़ पे मैं आपको चीज़ें क्लियर करता हूँ कि इस वजह से ये नहीं हुआ, क्योंकि देखें चीज़ें जब आप हारते हैं तो वो डेफिनेटली चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती जाती हैं। लेकिन जो बेस्ट चीज़ होती है वो मैं अपने अप्लाई करता हूँ, और जो मुझे अंदर समझ आता है वो हिसाब से चीज़ें एग्जीक्यूट करता हूँ, अपने प्लान एग्जीक्यूट करता हूँ। जो मेरे बॉलर्स होते हैं उसी हिसाब से फील्डिंग सेट की जाती है। डिपेंड करता है कि अगली टीम, आपको पता है कि वो डिफरेंट क्रिकेट खेल रहे, तो उसके लिए आप अटैक ज़्यादा कर नहीं सकते। जब अटैक करूँगा तो वो जब मारेंगे तो आप कहेंगे आप डिफेंसिव क्यों नहीं थे। तो ये चीज़ें चलती हैं, आपको उस टाइम अंदर, आपको बाहर बैठ के लग रहा है कि डिफेंसिव होना चाहिए था, मेरे ख्याल से अंदर डिफरेंट सिचुएशन होती है। इवन कि मैं भी जब बाहर होता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, जब तक आप अंदर नहीं होते तो आप उस चीज़ को फील नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से अंदर जो ज़्यादा होता है वो ज़्यादा अच्छा फील करता है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए।